गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो फिर आज का टॉपिक है सर्वे। ठीक है, आज जान लेते हैं कि सर्वे होता क्या है, क्यों सर्वे हम सीखना चाहिए, जरूरी क्यों है, क्या एग्जैक्टली है क्या ऐसे सर्वे में जो कि सिलेबस में टॉपिक सिलेबस में सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट दिया गया है सर्वे। चलो ठीक है, मैं सर्वे के बारे में कुछ डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली सर्वे होता क्या है। टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो सर्वेइंग इज अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विद प्लानिंग, प्लॉटिंग, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूटिव एंड एक्सेट्रा। ठीक है ना, और इसे ही हम कहते हैं सर्वेइंग। ये तो हो गए टेक्निकल टर्म्स में जो कि बुक्स में दिया गया है सर्वेइंग की डेफिनेशन। देखा जाए तो सर्वेइंग एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है। देखो, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करने से पहले, मतलब इवन फ्रॉम बिल्डिंग, डैम, गटर्स, जो भी चीज़ है, जो भी किसी रोड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंटली रोड्स, हर एक चीज़ का कंस्ट्रक्शन करने से पहले, उसका बांधकाम करने से पहले जो कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है जो कि सर्वे में इंक्लूड होते हैं। चलो ठीक है, तो हम जान लेते हैं ऐसा क्या है ये सर्वे में। ठीक है, देखो हर एक चीज़ किसी न किसी प्रिंसिपल के तहत वर्क करता है। जैसे कि हमारे बॉडी ही ले लो ना, बॉडी भी किसी न किसी प्रिंसिपल के तहत ही वर्क करते हैं। फॉर लाइफ वाइज सर्वे भी किसी न किसी एक प्रिंसिपल के, और सर्वे का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, देखो प्रिंसिपल, ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वर्क फ्रॉम, ठीक है मैं बता दूंगा, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। देखो मैं ये भी कंसेप्ट क्लियरली मैं बता देता हूँ। समझो हमें एक किसी 50 किलोमीटर एरिया का सर्वे करना है। ठीक है, अगर आपको किसी 50 किलोमीटर एरिया का सर्वे करना है तो आप 0 से लेकर 50 तक जाओगे या 50 से लेकर 0 तक आओगे, बताओ मुझे। ठीक है, 50 से लेकर 0 तक आओगे ना, बराबर। देखो कुछ लोग जाएंगे 0 से लेकर 50 तक, पर 50 से लेकर 0 तक ही आना क्यों जरूरी है, क्योंकि बड़े से लेकर छोटे तक आओगे तो वहां पे एरर और मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी। एंड इट इज प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, 50 किलोमीटर से लेकर 0 तक, 0 किलोमीटर तक जैसे ही हम सर्वे करते आएंगे तो वहाँ पे हमारे एरर्स और मिस्टेक्स बहुत कम होंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, कीप दैट इन माइंड, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, तो फिर वैसे देखा जाए तो वहाँ पे अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ सर्वे है, अलग अलग तरह के सर्वे है जो कि, चलो ठीक है हम देख ही लेते हैं ना। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, एक बेस ऑन एरियाज और पर्पज, ठीक है, बेस ऑन एरियाज और पर्पज। पहला सर्वे है प्लेन सर्वे, उनका प्लेन सर्वे, ठीक है। देखो नाम से ही समझ आना चाहिए प्लेन सर्वेइंग होता क्या है। प्लेन सर्वेइंग मतलब प्लेन सर्वेइंग, देखो हमारा जो अर्थ है हम कंसिडर कहते हैं वो अंड्यूलर है, अंडाकृति है, सर्कुलर है, ठीक है ना। बट यहाँ पे सर्वे का नाम क्या है, प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग में समझ जाओ, नाम से ही समझ आना चाहिए, प्लेन सर्वेइंग पूरा तरह से प्लेन होता है। मतलब प्लेन सर्वेइंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन एज इट इज प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसिडर नहीं किया जाता, यह होगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट। ठीक है, देयर आर सर्टन लिमिटेशंस ओवर द सर्वे ऑफ प्लेन सर्वे, ठीक है, वो लिमिटेशंस है, एरिया शुड नॉट बी मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। प्लेन सर्वे करते समय एरिया शुड नॉट बी मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया नहीं होना चाहिए, यह सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेन सर्वे कौन करता है, किसने करना चाहिए, प्लेन सर्वे इज कंडक्टेड बाय स्टेट एजेंसीज ऑफ महाराष्ट्र, मतलब स्टेट एजेंसी जो भी है प्लेन सर्वे वो हर एक स्टेट के स्टेट एजेंसी के तहत किया जाता है, समझ गए। तो प्लेन सर्वे के बारे में क्या क्या चीज, तीन चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला, प्लेन सर्वे क्या होता है, प्लेन सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, सेकंड एरिया शुड बी लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट की प्लेन सर्वे कंडक्टेड बाय स्टेट एजेंसीज, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक, ठीक है। देखो
कुछ कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आप सिखाते समय नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे, क्या जियोडेटिक सर्वे होता है, क्या है क्या नहीं, देखो ये तो हो गया प्लेन सर्वे, उसके बाद आएगा जियोडेटिक सर्वे। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन जियोडेटिक सर्वे इज, जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। देखो प्लेन सर्वे में कर्वेचर ऑफ कंसीडर नहीं किया जाता, बट जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, एरिया शुड बी मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। प्लेन सर्वे में एरिया 250 किलोमीटर से कम था, बट जियोडेटिक सर्वे में एरिया शुड बी मोर देन, एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जियोडेटिक सर्वे कौन ऑर्गेनाइज करता है, किसने ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो जियोडेटिक सर्वे एज नेम इंडिकेट इट इज जियोडेटिक सर्वे, तो जियोडेटिक सर्वे इज कंडक्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, जो कि इंडियन डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट है, उसके तहत जियोडेटिक सर्वे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह हो गया जियोडेटिक सर्वे, ठीक है, समझ आ गया। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एरिया और पर्पस, बट नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। एक मिनट, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, पहला देखो क्लासिफिकेशन नाम से ही समझ आना चाहिए, सॉरी नाम से ही समझ आना चाहिए कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या, अलग अलग सर्वे में बहुत अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सर्वे होते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बेस होते हैं। सबसे पहला होता है चेन सर्वे, क्या चेन सर्वे, देखो चेन सर्वे हम बस जनरली नॉर्मल जान लेते हैं कि चेन सर्वे होता क्या है और चेन सर्वे किस लिए किया जाता है। चेन सर्वे नाम से समझ आना चाहिए, चेन सर्वे होता है जो कि ओनली लीनियर मेजरमेंट्स के लिए, ओनली लीनियर मेजरमेंट्स जानने के लिए किया जाता है, वो होता है चेन सर्वे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपास सर्वे, कौन सा कंपास सर्वे, कंपास सर्वे नॉर्मली देखा होगा आपने कंपास सर्वे जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। बट ये जो कंपास सर्वे होता है, कंपास सर्वे इज यूज टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन पॉइंट ए टू बी, मतलब समझ जाओ किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का एंगल अगर हॉरिजॉन्टल एंगल देखना है तो कंपास सर्वे यूज किया जाता है ये एंगल जानने के लिए, ठीक है। थर्ड हो गया थियोडोलाइट सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग होता क्या है, थियोडोलाइट सर्वेइंग इज टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स। थियोडोलाइट सर्वेइंग किस चीज के लिए किया जाता है, टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तीसरा आता है चौथा सॉरी फोर फोर्थ आता है प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे क्यों किया जाता है, एग्जैक्टली देखो प्लेन टेबल सर्वे होता है जो एक्चुअल फील्ड पे किया जाता है, और प्लेन टेबल सर्वे नॉट बड़े एरिया के लिए, मतलब प्लेन टेबल सर्वे छोटे एरिया के लिए किया जाता है जो कि किसी भी एरियाज का प्लान और मैप डिटरमाइन करने के लिए प्लेन टेबल सर्वे किया जाता है, ठीक है। ये हुआ है प्लेन टेबल सर्वे। फिफ्थ है टैकोमेट्री सर्वे, देखो टैकोमेट्री, ठीक है, टैकोमीटर सर्वे, टैकोमीटर सर्वे क्यों किया जाता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीटर सर्वे। टैकोमीटर सर्वे इज यूज टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। देखो यहाँ पे देखा कंपास सर्वे और थियोडोलाइट सर्वे में हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, बट टैकोमीटर सर्वे इज यूज टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। और हाँ आज हम जानेंगे टैकोमेट्री के बारे में डिटेल्स। यह हो गए जनरली हमने जान लिया कि होता क्या है, चेन सर्विंग क्या होती है, कंपास सर्विंग क्या होती है, आज हम डिटेल्स में जानेंगे व्हाट इज टैकोमीटर सर्विंग एंड टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टैकोमीटर सर्विंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द टैकोमीटर सर्विंग, ठीक है।
चलो ठीक है, जान लेते हैं। सॉरी, चलो जान लेते हैं व्हाट इज टैकोमीटर सर्वेइंग। ठीक है, टैकोमीटर होता क्या है और टैकोमीटर सर्वेइंग होता क्या है। देखो, टैकोमीटर कोई अलग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, टैकोमीटर मतलब ही थियोडोलाइट होता है। बट हाँ, थियोडोलाइट को टैकोमीटर कब कहा जाता है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझता कि सर टैकोमीटर भी थियोडोलाइट ही तो इंस्ट्रूमेंट है, बट थियोडोलाइट को टैकोमीटर कब कहा जाता है, व्हेन थियोडोलाइट इज कॉल्ड एज अ टैकोमीटर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, थियोडोलाइट ने जब व्हेन वी कंसिडर एनालिटिकल लेंस, जब थियोडोलाइट में कुछ एनालिटिकल लेंस कंसिडर किया जाता है व्हाइल डूइंग अ मेजरमेंट्स और व्हाइल टेकिंग अ कैलकुलेशन, तब हम उसे टैकोमीटर कहते हैं। समझ में आया? देखो, थियोडोलाइट्स में जब हम एनालिटिकल लेंस कंसिडर करते हैं तब उसे टैकोमीटर कहा जाता है। ठीक है, टैकोमीटर कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज, तो हम जान लेते हैं टैकोमीटर, टैकोमीटर कैसे होता क्या है, क्या है। देखो, सबसे जैसे कि सर्वे का भी एक प्रिंसिपल था, उसी से वैसे ही टैकोमीटर का भी कुछ प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैकोमीटर का प्रिंसिपल है टू, देखो टैकोमीटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। देखो, टैकोमीटर का यही प्रिंसिपल है, टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टैकोमीटर सर्वेइंग। ठीक है, कुछ नोट्स के बारे में बता देगा। हाँ, अगर हमें कुछ मैप्स प्रिपेयर करने हैं, कुछ मैप्स प्रिपेयर करने के लिए, मैप प्रिपरेशन ऑफ मैप्स, अगर हमें कुछ चीज के मैप्स प्रिपेयर करने हैं, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें अगर हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करने हैं, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करने के लिए भी हम टैकोमीटर सर्वे यूज़ करते हैं। वैसे लोकेशन सर्वे करने के लिए भी हम टैकोमीटर सर्वे यूज़ करते हैं। देन हाँ, डिटेल फिलिंग, किसी भी चीज़ के हमें अगर डिटेल फिलिंग करने हैं, डिटेल फिलिंग्स करने के लिए भी हम टैकोमीटर सर्वे यूज़ करते हैं। चलो, ये तो हो गया टैकोमीटर। एग्जैक्टली, अभी हम जान लेते हैं टैकोमीटर के बारे में, तो जान लिया पर्पज क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, ये तो जान ली। चलो ठीक है, हम जान लेते हैं टैकोमीटर में होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टैकोमीटर्स के पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट, चलो फिर टैकोमीटर्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, हम जान लेते हैं कि क्या पैरामीटर्स क्या है। देखो, टैकोमीटर में स्टाडिया हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टाडिया हेयर्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टाडिया हेयर्स। देखो, मैं ड्राइंग दिखाता हूं, आप जूम करके देख सकते हैं। देखो, ये जो है ना स्टेडिया हेयर्स, अपर स्टेडिया, मिडल स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया, अपर, मिडल एंड लोअर स्टेडिया हेयर। ठीक है, ये अलग अलग तीन तरह के स्टेडिया हेयर्स होते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम इसे स्टेडिया हेयर कहते हैं, स्टेडिया हेयर्स को और एक नाम है जिसे कि हॉर्स हेयर कहा जाता है। हॉर्स हेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो जब हम आईपी से देखते हैं ना, तो वो बहुत थीन लाइन दिखती है। थीन लाइन हॉर्स हेयर जो कि थीन लाइन होते हैं, इसलिए हम उसे स्टेडिया हेयर्स कहते हैं। थीन लाइन हॉर्स हेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए हम इसे स्टेडिया हेयर कहते हैं। ठीक है, देन कुछ इसके एसेंशियल कैरेक्टर्स है, जान लेते हैं कुछ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स देखो, यहाँ पे टैकोमीटर में दो तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। एक होता है मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट जिसे एम कहते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर ने दिया होता है। ठीक है, एंड सेकेंड होता है एडिटिव कॉन्स्टेंट। फर्स्ट होता है मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट एंड सेकेंड होता है एडिटिव कॉन्स्टेंट। ये जो दोनों कॉन्स्टेंट्स है, जो कि दोनों भी कॉन्स्टेंट्स मैन्युफैक्चरर के तहत दिए जाते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये हो गए कुछ
कुछ पैरामीटर्स हो गए हैं और कुछ खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। अब हम जान लेते हैं चलो ठीक है अब हम जान लेते हैं कि कुछ मेथड्स है टैकोमीटर्स के भी कुछ मेथड्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। फर्स्ट मेथड है फिक्स हेयर मेथड। पहली मेथड है फिक्स हेयर मेथड एंड सेकेंड मेथड है मूवेबल हेयर मेथड। फर्स्ट मेथड है फिक्स हेयर मेथड एंड सेकेंड मेथड है मूवेबल हेयर मेथड। अब हम जानते हैं कि फिक्स हेयर मेथड क्या होते हैं। फिक्स हेयर मेथड क्या होती है ठीक है ठीक है। फिक्स हेयर मेथड देखो अब आप जूम करके देख सकते हो ठीक है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है और यहां पे हमारा स्टाफ है। यह हमारा इंस्ट्रूमेंट है और यह हमारा स्टाफ है। आपने जूम कर लिया ठीक है। यह हमारा इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे हमारा स्टाफ है ठीक है। स्टाफ के बारे में देखो स्टाफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो स्टाफ है स्टाफ नॉर्मली 3 to 5 meters हाइट होती है जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.005 meter। लिस्ट काउंट मतलब कम से कम रीडिंग्स ऑन स्टाफ 0.005 meters ठीक है। जैसे हम रीडिंग लेते हैं रीडिंग लेने के बाद हमें तीन रीडिंग दिखती है। अपर हेयर अपर स्टेडिया मिडल स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया ठीक है। एज नेम इंडिकेट फिक्स हेयर मेथड आपने एक्चुअली में जूम किया है ना ठीक है। फिक्स हेयर मेथड देखो नेम इंडिकेट करता है फिक्स मतलब ये जो हेयर्स होते हैं तीन रीडिंग्स स्टेडिया जो स्टेडिया रीडिंग होते हैं जो कि फिक्स होते हैं तीनों के तीनों फिक्स होते हैं। अगर हमने ये और यहाँ पे कुछ एंगल होता है अल्फा समझो अल्फा एज इट नेम इंडिकेट फिक्स हेयर मेथड। ये स्टाफ हमने इधर लिया देखो ये स्टाफ हमने अगर इधर लिया